दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अबू प्रॉपर्टीज। हिंदी में बोले तो अबू के घर। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्लम। यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते दाम में घर मिल जाएगा। उसके साथ आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेगी इस वाले मैप के अंदर, वो सब मैं बताऊंगा। आपको यहाँ पे मिलेगी लव अंधेरिया। ये जगह आपके घर के रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत काम आने वाली है। जैसे ही आप इस वाली दुकान के अंदर प्रवेश करोगे, आपको मिलेगा एक फ्रिज जिसके दरवाजों के कांच टूट चुके है। ऊपर की सीलिंग से थोड़ा पानी भी टपकता है, थोड़ा नहीं बहुत टपकता है। बिल्कुल सामने की साइड हमने लगाई है घूमने फिरने जाने की जगह की फोटो, और पीछे की साइड है वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पे स्विचे नहीं है प्लग को लगाने के लिए, क्योंकि हमने वॉशिंग मशीन कबाड़ी से ली है। वो नमक हराम नमको सारी के सारी वॉशिंग मशीन बिगड़ी हुई पकड़ा दी। तो हमको इसके लिए आपको जुगाड़ करना था। हमने क्या किया, गूगल से अच्छे अच्छे फेने जाने की जगहों के फोटो निकाल लिए। तो फिर जैसे ही कोई औरत यानी आपकी बीवी यहाँ पे प्रवेश करेगी, ये फोटो देख के उसका खून खोल जाएगा और बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। अब यही गुस्सा जो रात को पति के ऊपर निकलने वाला था, वो निकलेगा कपड़ों के ऊपर, और कपड़े धुलेंगे वॉशिंग मशीन से भी बढ़िया। दुनिया को मुझ जैसे महान लोगों की बहुत जरूरत है, बहुत दिमाग चलाता हूँ मैं। एक बार मैंने अपना धंधा डाल दिया, उसके बाद तो एलोन मस्क भी कुछ नहीं है। और हाँ, कपड़े धोने के लिए हमने बिल्कुल खुली जगह दी है। यहाँ पे आपके पूरा खानदान का कपड़े धुलेंगे, वो भी सचिन तेंदुलकर वाले बैट से। साथ में कपड़े जल्दी सुखाए उसके लिए आपको अपने कपड़े फ्रिज के सामने रख देने हैं। हम टाइम की बहुत बचत करते हैं। दरवाजे खोलने बंद करने में क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, कांच ही फोड़ दो। तो हमने फोड़ दिए। बिल्कुल सामने की साइड आपको मिलेगी एक आइसक्रीम की दुकान। एक टाइम पर लोग इसकी आइसक्रीम बहुत चाव से खाते थे क्योंकि बहुत सस्ते मिलती थी। बाद में पता चला ये आइसक्रीम के नाम पे सरफ को ठंडा करके बेचता था। इस वाले मैप के अंदर मुझ जैसे महान लोग बहुत भरे पड़े। हम आपके अच्छे खासे धंधे को 25 दिन के अंदर बर्बाद कर डालेंगे। फिर हम लोग सस्ते घरों को साथ में बेचेंगे रस्ते पर आकर। आपको इस वाले मैप के अंदर गैरेज भी मिलने वाला है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको मिलने वाली है फर्स्ट टाइम फ्री सर्विस। क्योंकि होगा क्या, जब आप पहली बार अपनी प्यारी लाल की दुलाली कार को हमारे पास सर्विस कराने के लिए देंगे, तो हम लोग आपकी कार के सारे अच्छे अच्छे पार्ट निकाल लेंगे जिससे आपकी कार कबाड़ खाना बन जाए। उसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी कार के पीछे फालतू का खर्चा नहीं होगा। जब हम इस वाले काम को अंजाम दे दूंगे, आप पीछे की साइड आके अपनी तस्वीर यहाँ पे टिका के सो भी सकते हैं। लेकिन अपने जेब और खीसों का ताले मारना मत भूलना, ये इलाका बहुत अलग है। क्या पता दो तीन दाना चनों के लिए कोई आपका गेम बजा के चला जाए। वैसे हमें उस बात की कोई चिंता नहीं, हमें हमारे गद्दे की फिक्र है। तुम लोग तो मर के चले जाओगे, मेन टेंशन गद्दे का। तीन तीन दिन तक गद्दे नहीं सूखते। और हाँ, चिंटू को बोल ऑनलाइन कोडिंग बाद में सीख लियो, अभी इसकी लाश को ठिकाने लगा। और अगर मान लो आपको किसी का गेम बजाना है, तो उसको गैरेज के पीछे लाकर गैरेज वालों को पैसे दे सकते हो, जैसे तुम्हें सर्विस चाहिए वैसी। आप जैसे कस्टमर के लिए हमारे पास होती है स्पेशल ऑफर। इस वाली ऑफर के अंदर आपको मिलेगा एक पूरा कॉम्बो पैक जिसमें हम लोग डीसीएम की तरह काम करेंगे और एक सबूत भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमने समाज सेवा के लिए फ्री में इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयर की दुकान खोल के रखी है। आपके घर का टीवी, जूस मशीन, फ्रिज, गीजर, हीटर, एसी, एक्स वाई जेड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज है जो कि बिगड़ चुकी है, यहाँ पे ला के आप फ्री में उसको रिपेयर करा सकते हैं। इसमें बस एक दिक्कत है, जो भी चीज आपने रिपेयरिंग के लिए दिया वो रिपेयर होने के बाद आपको वापस नहीं मिलने वाली है। ये सब इस एरिया के चोर लोगों की गलती है। हम तो समाज सेवा के लिए जो कर सकते वो करने को तैयार है। आप इसको बंद किससे किया? कल रात को मैंने और मेरा आदमी ने कितनी मेहनत से इस दीवार को तोड़ा था। सब चीजें मैंने नहीं चुराई। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। देखो हम लोग कितने अच्छे लोग हैं, हमने पुरानी चीजों को हाथ भी नहीं लगाया, वो इधर के इधर ही है। बोल अपने घर का भंगा इधर बैठना बंद करो। ये कुर्सी कौन बैठता है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे? इसके अंदर रॉकेट फिक्स करके दो। देखो उसके बाद आपको मैं मिलने जा रहा हूँ। हम आ रहे मैप का प्रख्यात बार्बर। इसने अभी भी बालों को काटना चालू किया है। पहले सर्जरी बहुत करता था, लेकिन एक दिन पागल हो गया, वो सर्जरी फेल हो गई और इसको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अभी भी इसके अंदर सर्जरी करने का कीड़ा मरला नहीं है। लोग ये मानते हैं जो जो भी इसके पास बाल कटवाने गया है, इसने सबकी खोपड़ी खोल के रख दी है। अंदर से मशीनें चलने की बहुत आवाज आती है, और साथ में इसकी जो खिड़कियां हैं उसमें इसने इतनी सारी जालियां सेफ्टी क्यों लगा के रखी है। ये सलून कम पुलिस स्टेशन ज्यादा लग रहा है। और भाई नाई की दुकान के ऊपर सर्जरी करने वाली चद्दर सुखाने किसने डाली है? तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी अच्छी हेयर कट करवाना चाहे तो आप इस नाई की दुकान पे आ सकते हैं। और घर वालों को बोल के आना, अगर आप एक घंटे के अंदर रिटर्न वापस घर नहीं पहुंचे तो नाई के पीछे जो एरिया है उधर पड़ी हुई थैलियों के अंदर तपास करें। क्या पता आपके बॉडी के हिस्से उसके अंदर पड़े हो। पीछे की साइड एक होटल भी है। अगर आपके घर में अच्छा खाना नहीं बनता तो आपको
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर आ जाना है और साथ में अपने पूरे परिवार को लेकर आए। आखिर उनको भी तो हमारे यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाने का हक है। और वैसे भी हमें बड़े बड़े बिल बहुत पसंद है। यहाँ पे 200 आदमियों की बैठने की जगह है और हम लोग इंडियन है, हमको खाना नीचे बैठ कर खाना चाहिए। यहाँ पे देखो सब लोग नीचे बैठ कर खाना खाते हैं। ऐसा मत समझना कि हम लोग कंजूस है। हमने फैमिली के लिए यहाँ पे ऊपर बैठने का इंतजाम भी किया हुआ है, पर दिक्कत क्या है, जब भी वो खाना खोलते हैं हर बार कॉकरोच कीड़े मकोड़े निकलते ही रहते हैं। तो जब भी वो निकलता तो लोग डर जाते हैं और उसी चक्कर में टेबल और कुर्सा फेंक के भाग जाते हैं, फिर उठाने भी नहीं आते वापिस। लोगों में संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। हमसे कुछ सीखो, कॉकरोच से लेके जितने भी कीड़े मकोड़े किसी को भूखा नहीं मारते हम। इधर आओ, खुद भी खाओ, उनको भी साथ में बैठ के खिलाओ। और ये एक जियो वाले, तुम्हारे लाख रुपए तुम लोग तुम्हारे पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए, अभी निकल इधर से। साला चैन से धंधा भी नहीं करने देते। ये दुनिया का पहला रेस्टोरेंट है जो आपको देता है थ्रो बैक गारंटी। अगर खाना नहीं पसंद आता तो इन्हीं की खिड़कियों के ऊपर फेंक के मारो, ये तुमको उसी खाने का वापस उस डब्बे के अंदर डाल के उठा के देंगे। और अगर तुम नहीं लोगे तो इधर से फुट लो, बहुत कस्टमर लाइन में खड़े हुए। और अगर तुम यहाँ पे आके अमीरों वाले चौंसले करते हो, मतलब गाड़ी के अंदर खाना खाते हो, तो हमने वो टेबल स्थिर करने के लिए नहीं रखे, उसके बाद कचरा भी यहीं फेंक देते हो, तो फिर तुम तो घर वापस चले जाओगे लेकिन तुम्हारी गाड़ी नहीं जा पाएगी। इधर ही हम उसको तंदूरी कार बना देंगे, टायर का बारबेक्यू करेंगे वो अलग। उसके बाद आपको मिलेगी 24 घंटे, ये जो घंटे लिखे ना इसको मिनट कर दो, 24 घंटों में से 24 मिनट भरपूर पानी आएगा तुम्हारे घर तक, बाकी के 23 घंटे 26 मिनट नंगे नाचो मेरे को क्या। बात कर अगर बिजली की तो यहाँ पे नए नए खंबे लगे हुए हैं, रात हो या दिन हो कभी भी लाइट नहीं जाती है। वैसे इस खंबे के तार उस घरों तक जाते हैं, जो तुम प्रॉपर्टी बाय करोगे वो इन वाले घरों में आएगी, और जो बिजली के तार इन वाले घरों के अंदर जाते हैं वो बिजली का खंबा बिगड़ा हुआ है। तो इससे तुमको बस पूरे दिन के 24 घंटों में से 1-2 घंटे भी लाइट नहीं आने वाली है। वैसे अगर तुम लोग चाहो तो खंबे के ऊपर चढ़ के तार को हिला भी ला सकते हो, क्या पता उससे तुम्हारे घर पर लाइट आ जाए। और जब ऊपर चढ़ रहे हो तो साथ में पानी का पोता लेके उसके ऊपर पोते भी मार देना, नहीं वो क्या बहुत दिन से साफ नहीं हुआ तो धूल लग गई होगी तो उसको भी साफ कर देना। उसके बाद यहाँ पे है ब्यूटी पार्लर। जी बिल्कुल, ब्यूटी सैलून। एक बार देखो कितना बढ़िया बने है, इतना बढ़िया सोफा, ऊपर इतना बड़ा झूमर, उधर धूप लगती है तो इधर छांव में भी बैठ सकते हो। और तुमको ब्यूटी पार्लर की सर्विस 24 घंटे मिलेगी। इधर भैंस अभी खूबसूरत दिखने लगी। कॉफी कब खुल गई? इधर तो ब्यूटी पार्लर लिखेला, इधर कॉफी कब आ गया? गाइस इज मल्टीटास्किंग। मेकअप लगाने में कितनी देर लगती है, तो कॉफी तो चाहिएगी ना, और कॉफी से तो ताजगी आती है। लेकिन तुम कॉफी को इधर ही बैठ के पी सकते हो और तुम मेकअप इधर ही बैठ के लगा सकते हो। नहीं हमने बिल्कुल भी लालच में आके एक ही दुकान को दो अलग अलग लोगों को भाड़े में बिल्कुल नहीं दिया है, ये तुम्हारी गंदी सोच है, इसको बदलो तुम। इस आगे भागती दुनिया के दाम को पकड़ने के लिए हमको ये सब काम करने पड़ते हैं। वैसे हम लोग कॉफी के नाम पे कोको कोला को गर्म करके बेचते हैं, तो खाली कैन रास्ते में मत फेंकना, वरना फिर तुम्हारी बाप की गाड़ी का बारबेक्यू बनने वाला है। इस पे खाना मस्त पकता है, दाल चावल पकाए थे कल मैंने। उसके बाद बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत ही बड़ा मैदान। अगर आपको एक बात नहीं पता तो आपको बता दूं, मेसी और रोनाल्डो जब दोनों छोटे छोटे थे उन्होंने इधर ही फुटबॉल सीखा था। और ये 2021 की गोल पोस्ट की एक स्टाइलिश जाली है, ये बिल्कुल टूटी फूटी नहीं है, ये नीचे रोनाल्डो रहता है ऊपर मेसी रहता है। आपके बच्चे का फुल गेम प्ले देखेंगे वो लोग यहाँ पे बालकनी में खड़े होके। अब लोगों को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे मेसी रोनाल्डो रहते गेम प्ले देखते फुटबॉल बच्चों का, तो सोचो यहाँ पे कितनी भीड़ जमा हो जाएगी। तो हमने इसका भी उपाय निकाल लिया, हमने मेसी और रोनाल्डो दोनों को बूढ़ी दादी अम्मा जैसा बना दिया। सामने से अगर कोई बूढ़ी दादी अम्मा निकले समझ जाओ मेसी रोनाल्डो ही है। उसके बाद जो दोस्तों को लेके चिल मारते हो उनके लिए यहाँ पे एक सोफा भी है और ऊपर भाई छत भी है जिससे बरसात नहीं आए और धूप भी नहीं लगे। और यहाँ की सबसे खास बात ये है, यहाँ पे तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, वो भी बिना पैसे दिए। बिल्कुल सही सुना, सामने कचरा पेटी के अंदर लोग अपना खाना फेंक के जाते हैं, तुम उसको खा सकते हो बिल्कुल फ्री में। चाय बनाने के लिए दूध की थैली है, आधी चॉकलेट पड़ी है। यहाँ पे तुम्हें तरबूज के झाड़ भी देखने को मिलेंगे, तुम यहाँ से फ्री में तरबूज चुरा के खा सकते हो। और सबसे मेन बात, नहीं नहीं पीछे की साइड कुछ भी नहीं हुआ है, वो अस्थाई कर रहे होंगे तो कपड़ा जल गया होगा, तुम इतना उदय में ध्यान दो। तुमको मिलेगी फ्री लाइफ झींगा लाला करने वाली, इसको क्या बोलते बे, बड़ी थालियां तुमको मिलेगी जिसमें तुम खाना भी खा सकते हो टीवी भी देख सकते हो। इतनी सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी तुमको दुबई के अंदर भी नहीं मिलने वाली है। तो अभी कॉन्टेक्ट करें अबू के घर को, नहीं नहीं जरूरत नहीं है। ये था हमारा मुफ्त का प्रमोशन वीडियो स्लम्स के लिए, जो कि क्वालिटी मोबाइल के अंदर एक नया मैप है। मैं चाहता तो इसका मिनिमम 50,000 रुपया चार्ज कर सकता था, लेकिन मुझे पता फकीर लोग नहीं देने वाले। जिस गेम ने तुमको आज तक एक गंजे तक नहीं दिया वो तुमको क्या देगा 50,000। बाकी जगह कमेंट के अंदर तुम लोग अपना बेस्ट पार्ट लिखो कौन सा था और टाइम के साथ लिखना, मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग कमेंट करते हो, तो प्लीज कमेंट किया करो। तुम आज का प्यारा सा छोटा सा शॉर्ट जाता है शाहू भाई को। बाकी बस ऐसे सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक यू।